आज की टिप्स बहुत ही कमाल की लेकर के आए हैं जो आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं बहुत सारे ऐसे किचन के हैक्स जिससे कि आपके बहुत सारे मुश्किल से मुश्किल काम बहुत ही आसान हो सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहली टिप्स शेयर करते हैं। जैसे कि मिक्सी हमारी हर डेली यूज होती है और इसको हम रखते हैं तो नीचे जो रबड़ लगी होती है वो बार बार खिसकाने से ख़राब हो जाती है। तो ये जो पंखे में हमारे थर्माकोल होता है उसको आप जब निकलता है उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने के बजाय इस तरह से मिक्सी में हम रखेंगे तो हमारी मिक्सी बिल्कुल भी नीचे की जो हमारी रबड़ है वो नहीं ख़राब होगी और ये हमारे सालों साल अच्छे से चलता रहेगा। तो जहाँ पे हमारा वायर होता है उस जगह पे थोड़ा सा कट का निशान लगा दीजिए, अब ये अच्छे से इसमें फिक्स हो जाएगी। अब इस तरह से आप रखेंगे तो देखिए कहीं भी इसको खिसकाएंगे और कहीं भी रखेंगे तो आपकी मिक्सी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद में पोलोथीन से कवर कर दीजिए। तो है ना कमाल की टिप्स, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। अगली टिप्स है, बारिश में हम साबुन लेकर के आते हैं। जो लोग लिक्विड यूज़ करते हैं उनके लिए सही है, लेकिन जो साबुन यूज़ करते हैं बर्तन धुलने में वो बार बार गीली होती है और इससे हमारी साबुन बहुत जल्दी गल जाती है, चाहे बर्तन धुलने वाली हो या कपड़े धुलने वाली। तो उसके लिए हम बहुत ही बारिश में यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आपके बहुत सारे काम आएंगे और बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। क्योंकि जब बहुत जल्दी गल जाती है साबुन तो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से इस पन्नी को हम पहले कट कर लेंगे चाकू की सहायता से, दोनों साइड से कट करने के बाद में हम ऊपर का पार्ट अलग कर देंगे। अब इस तरह से आप सोच रहे होंगे कि इससे कैसे, तो क्या होता है जो पोलोथीन होती है इसमें पानी बहुत ज़्यादा जल्दी रुकता नहीं है और इसकी वजह से हमारी साबुन नहीं गलेगी। अब तो पतली वाली रबड़ ले लीजिए और इसको इस तरह से लगा देंगे हम, जहाँ पे ये निशान बना होता है वहीं पे आप लगाएंगे तो आपको बर्तन धुलने में भी आसानी रहेगी। अब इसमें पानी में चाहे जितना पानी पड़ेगा वो नीचे जाके हमारी साबुन पे नहीं टिकेगा और नीचे चला जाएगा। तो देख सकते हैं ये हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको किसी भी कटोरी में रखेंगे तो हमारी साबुन गलेगी नहीं। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, आप लोग ज़रूर ध्यान से देखना और बहुत बहुत ही कमाल की लेकर के आए हैं। तो देख सकते हैं अब इसमें पानी डालिए, कुछ भी करिए। अगली टिप्स है, जैसे कि हमें वॉश बेसिन साफ़ करनी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे ही हाथ से ब्रश साफ करते हैं तो हमारे हाथों में दिक्कत होती है और हमारे किसी किसी को एलर्जी होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया, आप पोलोथीन ले लीजिए, हाथ में इस तरह से कवर कर लीजिए और बांधने के बाद में आप इस तरह से साफ़ करेंगे तो आपकी जो वॉश बेसिन है साफ़ हो जाएगी और आपके हाथ भी एकदम गीले नहीं होंगे, एकदम साफ़ सुथरे रहेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल हाथों में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। कहीं भी आपको सफाई करनी हो तो पोलोथीन को हाथ में लगा लीजिए और उसके बाद में आप करिए। अगली टिप्स हमारी है कि जैसे कि कंघे पे रबड़, हम ये कंघे के ऊपर ब्लेड को इस तरह से हल्का गर्म करके इसके ऊपर लगा लेना है। उसके बाद में हम इसको लेकर के आए हैं, जैसे कि हम कभी भी टेप काटते हैं तो अगर सीजर से काट रहे हैं तो सीजर में ये चिपक जाता है और हमारा टेप बहुत ख़राब होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। अब इसको हम काटेंगे तो ये बहुत जल्दी से कट जाता है। देख सकते हैं इस तरह से आप काटेंगे, चाहे ब्लैक वाला हो और चाहे वाइट वाला हो, देख सकते हैं इसके बीच में इस तरह से डालना है और डाल के खींच, बस डालते ही ये कट जाएगा। जितने आपको आवश्यकता है उतना आप काट सकते हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये भी बहुत ही कमाल की है, आप लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, जिसको आप लोग बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में ये छोटे छोटे ढक्कन होते हैं, ये जब बोतलें ख़राब हो जाती हैं उसके बाद ढक्कन को हम फेंक देते हैं, फेंकने के बजाय इस तरह से हमें इसे काट देना है, बीच से पूरा अलग कर देना है। अब इसमें हमें ज़्यादा ढक्कन नहीं चाहिए, सिर्फ 6 ढक्कन ही चाहिए। तो इस तरह से देखिए, आप कोई भी चाकू या सीजर ले लीजिए, अगर आपके पास चाकू है तो चाकू गर्म करके उसके बाद में आप काटेंगे, नहीं तो जो काटने वाली ब्लेड होती है उसको ले लीजिए, उससे बहुत जल्दी से कट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से इसको राउंड राउंड करते चले जाना है और सारे ढक्कनों के बीच से अलग कर देना। देखिए साइड में एक ढक्कन हमने काट के रखा है, उसी तरह से इसको अलग करके सही से सारे ढक्कनों को अलग कर लेना है। देखिए इस तरह से हम इसमें 6 ढक्कन काट के अलग करते हैं, बाकी सारे रख देते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे हमारे ढक्कन कट के तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हमें यूज कहाँ करना है वो भी आप लोग जरूर देखते रहिए, एंड तक देखेंगे, आधा अधूरा वीडियो देख करके आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। अभी जैसे कि हमारा फॉइल पेपर का जो ये हमारा निकलता है इसको हम बीच से कट कर लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा है इसलिए इसको हम दो भाग में कर लेंगे, आधा किसी चीज़ में हम यूज़ करेंगे और आधा इसमें हम यूज करेंगे। तो इस तरह से इसे चाकू से काट दीजिए। काटने के बाद में अब ये कि हमारा बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होगा, जो कि आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे और ढेरों पैसे भी बचेंगे। अब कोई भी इसमें हम ले लेंगे, ये जो दफ्ती होती है इसको ले लीजिए। अब इसे हमें थोड़ा सा जो हमारा
है राड, इससे हमें थोड़ा सा बड़ा काटना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और उसकी सहायता से, बड़ी वाली नहीं छोटी वाली चाहिए हमें, अगर बड़ा हमें बनाना है तो बड़ा ले लीजिए, नहीं तो छोटा बनाना है तो इस तरह से देखिए कोई भी पेंसिल रख लीजिए और दूसरी पेंसिल से इसको गोल में हमें कट कर लेना है। अगर ऐसे हम निशान लगाएंगे तो गोल नहीं होता है, इस तरह से बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसको अब हम गोल सर्कल में काट लेते हैं। काटने के बाद में इसको देखिए, इस तरह से हम इसको इसलिए काट रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसे ही तपती लगा देंगे तो वो ख़राब लगती है। अब इस तरह से इसे हमें गोल गोल काट लेना है। अब ये हमारा काटने के बाद में आप देखेंगे कि कितना अच्छा ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार होता है। इसको आप एक बार ज़रूर बनाइए क्योंकि बोतल के ढक्कन सभी के घर में रहते हैं। बोतल को तो आप लोग यूज कर लेते हैं लेकिन ढक्कन को कहीं ना कहीं। अब हमें इसे कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देना है। अब जो ये हमारा राड है इसके बराबर भी हमें ये कागज़ काट लेना है। आपके पास अगर अबरी है तो आप उसको लगा सकते हैं जिससे कि ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। अब इसके बराबर से ही हमें काट लेना है, बिल्कुल गोल गोल राउंड बनाते हुए इसमें हम फेविकोल लगा करके इसको भी चिपका लेते हैं। तो चलिए इसको पहले हम जो गोल सर्कल काटे हैं इसको इसके ऊपर चिपका देते हैं। अब इसे हमें थोड़ा सा फेविकोल लगा देना है और बस ये तुरंत चिपक जाएगा। उसके बाद में हम आगे इसको क्या करते हैं उसको भी आप लोग देखते रहिए। तो हाँ, आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और अपनों के साथ शेयर किया करें क्योंकि ये कबाड़ से जुगाड़ जब हम बनाते हैं तो ये बहुत ही काम का होता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको गोल में कट कर लिया है। अगर आपके पास ये राट नहीं है तो आप कोई भी पाइप ले लीजिए, पतली सी वो भी ले लीजिए, जो पानी की पाइप होती है वो भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब देखिए इस पर भी फेविकोल लगा करके हम इसको गोल में चिपका लेंगे। अगर कागज़ बड़ा लग रहा है तो उसको आप इस तरह से कट कर दीजिए और फिर किनारे पे फेविकोल लगा करके इसको भी, अब ये देखने में भी अच्छा लगेगा। आप कहीं भी रखेंगे आपके किचन में ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगता है और आपके पूरे घर के बर्तन इस ढक्कनों में एडजस्ट हो जाएंगे। तो देखिए अब हमें ले लेना है फेविक्विक जो होता है, इसकी मजबूती बहुत अच्छी होती है। आप इसको कहीं भी चिपकाएंगे तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। अब इसमें हम फेविक्विक लगा करके और जो हमने गोल काट के रखा है उसके बीचों बीच सेंटर में इसको इस तरह से हम चिपका देंगे। अब इसको लगाने के बाद में अब चलिए आगे इसको हम क्या करना है, थोड़ी देर इसे हाथ से पकड़ लेंगे। फिर ये जो ढक्कन हमने कट करके रखे हैं अब इसको हम गोल गोल ऐसे फेविक्विक डालते जाएंगे और इस तरह से ढक्कन को चिपकाते चले जाएंगे। जिस तरह से हम चिपका रहे हैं थोड़ा सा गैप देके चिपकाएं, नहीं तो पास पास में भी चिपका सकते हैं। चाहे तो एक साथ में ढक्कन को चिपका दीजिए और उसके बाद में इसके अंदर डाल दीजिए और वो भी आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखिए सारे ढक्कन इसमें हम चिपका दिए हैं। अब बीच में जो जगह बची है, एक बचा हुआ है, उसको भी हम चिपका करके उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कितना अच्छा ये बनके तैयार हो गया। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें आप जैसे कि हमारे चम्मच हो गए और हमारे कांटे होते हैं वो आप इसी में रख सकते हैं, कैंची है, सीजर है, जो भी आपके पास है आप चाहें तो इसमें ढेर सारे बर्तन आ जाएंगे। मैं थोड़े से रख करके दिखा रही हूँ और ये देखने में भी अच्छा लगता है। पूरे घर के बर्तन आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और जो बीच में बड़ा होल है इसको हमने बंद इसलिए नहीं किया है, इसमें आप कलछी है, छोटे छोटे आइटम इसके अंदर भी रख सकते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो आज की टिप्स में आप लोगों को कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप कहीं भी रखेंगे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें हम चाकू और कोई भी चीज़ रख सकते हैं, ये देखने में भी सुंदर लगता है। तो अगर इसमें से कोई भी टिप्स आप लोगों को पसंद हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपनों के साथ में और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरह की टिप्स लाती रहती हूँ और आप लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत होती रहती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं ये हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। तो घर में गृहस्थी में हम औरतों को तो इस तरह की टिप्स आनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।